नमस्कार, हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जी हां, विकास खंड तालवेट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक और पूरा देश 21 दिन के लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत बिजरोठा में जल निगम के ठेकेदार द्वारा सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, पाइपलाइन के निर्माण का कार्य सुचालू रखा गया। लॉकडाउन के पहले दिन हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बिजरोठा के पठा मोहल्ला में जल निगम के ठेकेदार व अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन का कार्य मजदूरों के द्वारा कराया गया, जहां एक ओर पूरा देश कोरोना जैसी भयानक महामारी से लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो वहीं पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री के लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है। जिले के DM से लेकर SP से लेकर तहसील के सारे अधिकारी पूरी तरह से कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां पूर्ण कर रहे हैं, वहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं इस ठेकेदार द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन के पहले ही दिन लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, वह किस तरह से ग्राम पंचायत बिजरोठा के पठा मोहल्ला में आप देखिए किस तरह से ये ठेकेदार निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। ये नई पाइपलाइन को बिछाने का कार्य कर रहा है। वहीं जिस तरह से वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं हम बात करें तो वहां पर मजदूर भी उपस्थित इकट्ठे रहे और वहीं देखने वाले तमाशबीन भी रहे, वहीं काफ़ी कुछ बच्चे भी रहे, जो कि कोरोना वायरस से निपटने की 21 दिन की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहा है ये ठेकेदार कहीं ना कहीं। अब देखना है कि यह ठेकेदार किसकी अनुमति से उक्त निर्माण कार्य को, जबकि पूरा देश लॉकडाउन है, निर्माण कार्य करा रहा था, तो वहीं हमें अब प्रशासन को देखना है कि उक्त जल निगम के ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन क्या कड़ी कार्रवाई करती है। जहां एक ओर पूरा देश लॉकडाउन में है, तो वहीं दूसरी ओर यह ठेकेदार अपनी मनमानी पर आबादा है। इसने लॉकडाउन के पहले ही दिन का पूरी तरह से उल्लंघन किया और ग्राम बिजरोठा के ग्राम पठापुरा में निर्माण कार्य को अंजाम दिया। यह प्रश्न हम सब पर आप पर छोड़ के जाते हैं कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई होगी, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा।